हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। और एक बार फिर हम नए नुस्खे के लिए साथ आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा नुस्खा है वो मर्दाना ताकत के लिए है। और इस नुस्खे में हम आपको बताएंगे कि किसी भी तरह के गुप्त रोग का इलाज या मर्दाना ताकत को बढ़ाने का तरीका या उसका नुस्खा क्या है। उसके देसी नुस्खे के बेहतरीन टिप्स आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। मर्दाना ताकत मीन्स किसी भी तरह की, कोई अगर आपको सेक्सुअल डिजीज है, कोई भी किसी भी तरह का गुप्त रोग है, या किसी भी तरह का कोई सेक्स के दौरान आपके लिंग में कोई ढीलापन या कोई परेशानी या कोई शर्मिंदगी महसूस होती है, तो ये दोस्तों नुस्खा उसके लिए एकदम जबरदस्त है। ये आपकी सेक्सुअल लाइफ को एकदम स्ट्रोंग कर देगा और आपके अंदर बुढ़ापे में भी ये आपको युवाओं जैसी पावर, ये युवाओं जैसी शक्ति प्रदान करेगा। और नुस्खे में यूज होने वाली जो चीजें हैं वो बहुत सिंपल हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये लहसुन और शहद, लहसुन और शहद के मिश्रण से, इन दोनों के मिक्सचर से हम ये नुस्खा बनाने वाले हैं। अब हमें इसको बनाना कैसे है, कितनी क्वांटिटी में इसका यूज करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा। दोस्तों, शहद और लहसुन के इतने गुण हैं कि इनकी एक लंबी लिस्ट है। लहसुन के अपने गुण हैं और शहद के अपने, इन दोनों के इंडिविजुअल बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टीज हैं जो हम अपनी वीडियो के एंड में थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करेंगे। और जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो इसका होता है वो हमारी मर्दाना ताकत में होता है। दोस्तों, मर्दाना ताकत आजकल हर किसी की वीक होती जा रही है, गुप्त रोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह प्रदूषित वातावरण, जैसा कि आप जानते हैं, और हमारे खान पान का सही ना होना, सही तरीके से नींद का पूरा ना होना, और किसी भी तरह का फूड पॉइजनिंग। हर एक फूड में इतने सारे केमिकल्स हमारे अंदर जाते हैं, तो फूड पॉइजनिंग की वजह से और बहुत सारी बीमारियों की वजह से, बहुत सारी जो चीजें हैं उनकी वजह से हमारे अंदर ये बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो आइए चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ, कैसे इसको बनाना है। दोस्तों, लहसुन की जो तासीर होती है वो बहुत गर्म होती है, तो हमें इसका सेवन खासकर सर्दियों में करना है और बहुत कम क्वांटिटी में करना है। स्टार्टिंग में अगर आप खाली पेट इस लहसुन के एक कली का यूज करते हो या इस लहसुन की एक कली को आप खा लेते हो किसी भी तरीके से, तो उसके अद्भुत फायदे हैं। वो सेक्सुअल डिजीज में भी आपको बेनिफिशियल होगा और भी बहुत सारी बीमारियों में वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इसको डायरेक्ट खाना कोई आसान नहीं है, इसमें सल्फर की मौजूदगी होती है जिसकी वजह से इसकी गंध बहुत तेज होती है और हम इसको खा नहीं पाते हैं। और अगर चबा भी लेते हैं इसको तो चबाने के बाद मुंह से गंध आती रहती है। तो इसको खाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसको एक हमाम दस्ते में कूट लें या किसी भी एक बर्तन में इसको अच्छी तरीके से कूट लें और फिर इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं, तो इसका टेस्ट आपको इतना तीखा नहीं लगेगा। और लहसुन और शहद जब एक जगह मिल जाएंगे तो लहसुन से होने वाले फायदे और भी डबल हो जाते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 3 से 4 कली आप छील लें, अच्छी तरीके से साफ कर लें और फिर इनको हमें कूटना है हमाम दस्ते के अंदर। आप किसी भी बर्तन का यूज करके इसको कूट सकते हो। ये दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने कूट लिया है। इसको मैं तरीके से निकाल लें। अब हमें इसमें एक चम्मच शहद मिलाना है। ये दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी पिसी हुई लहसुन की कली है। अब हमें इसमें शहद मिलाना है। ये हमने 3 से 4 कली इसमें यूज की थी, इसमें हमने पीसी थी। अब हमें इसमें आवश्यकता अनुसार शहद को मिलाना है, ठीक है। अगर आप 3 से 4 कली यूज कर रहे हो तो उसमें आप 1 या 1.5 चम्मच शहद का यूज करें और इसको अच्छी तरीके से मिला लें, ठीक है। ये एक पेस्ट बनके तैयार है। लहसुन अगर आप खाली पेट डायरेक्ट एक जवा इसका खाते हो, एक कली इसकी खाते हो, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर नहीं खा पाते हो तो आप इस तरीके से इसका मुरब्बा बनाकर खाओगे। तो ये लहसुन का मुरब्बा तैयार है। अब इसका, इसमें हमारी 3 कली हमने पीसी थी, 3 कली का ये मिश्रण है, तो हमें एक ही दिन में इसका सेवन नहीं करना है। या तो आप 1 कली को
पीस कर उसमें आधा या एक चम्मच शहद मिलाकर उसको डेली खाओ, या आप एक साथ तीन चार कली को पीस कर और उसमें इस तरीके से शहद मिलाकर उसको रात भर ढककर रख दें, और सुबह लगभग आधा चम्मच, आधे चम्मच से भी लगभग कम, हमें ये खाली पेट खाना है, ठीक है? तीन चार कली का यूज करके हमें इसको तीन चार दिन ही यूज करना है, एक साथ नहीं कि हमने ये एक ही दिन बनाया तीन चार कली का और इसको सारे को हमने खा लिया, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, ये हम पचा नहीं पाएंगे डायरेक्ट। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल और सरल नुस्खा है, जैसा आपने यहाँ पे देखा है, हमें ये बनाकर और इसकी आधे से कम चम्मच क्वांटिटी का हमें इसका डेली यूज करना है। उसके थोड़ी देर बाद हमें दोस्तों जितना भी पॉसिबल हो सके ज्यादा से ज्यादा दिन भर पानी पीना है, और इसके बाद भी क्योंकि बहुत गर्म होता है आपको प्यास भी लगेगी, तो आपको पानी खूब पीना है, कम से कम 15-16 गिलास आपको डेली पानी पीना है, ठीक है? तो ये एक ऐसा नुस्खा है, अगर आप इसको लगभग 10 से 15 दिन करते हो तो आपके जो लिंग में ढीलापन है या कोई भी किसी भी तरह की कोई रक्षण में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ये उसमें रामबाण का काम करेगा। ये शहद और लहसुन का मुरब्बा बहुत ही ज्यादा कारगर है किसी भी तरह के गुप्त रोग में, ठीक है? तो इसके अलावा सेक्सुअल डिजीज के अलावा लहसुन के तो बहुत सारे फायदे हैं। लहसुन के अंदर बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो किसी भी तरह का अगर कोई वायरल जैसे फीवर हो जाते हैं मौसम चेंज होने की वजह से, तो अगर आप खाली पेट एक लहसुन की एक कली को चबा लेते हो किसी भी तरीके से और उसके थोड़ी देर बाद आप उस पर 1 या 2 गिलास पानी पी लीजिए, तो किसी भी तरीके का वायरल आपकी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? वेद में दोस्तों 5 रस होते हैं, 5 में से ऐसा बताया जाता है कि सिर्फ लहसुन के अंदर 4 रस मौजूद होते हैं, ये गुणों का खजाना है, और हमारे घरों में अक्सर ये मसालों की फॉर्म में यूज होता है। अगर आप इसको खाली पेट यूज करते हो तो इसके अद्भुत फायदे हैं। ये एंटीबायोटिक है, इसमें जबरदस्त तरीके से एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, तो अगर आप इसको खाली पेट सेवन इसका करते हो तो इसके होने वाले अनगिनत फायदे हैं। इसके अलावा दोस्तों लहसुन हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिल के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लहसुन की एक कली हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको बहुत कम कर देता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को ये बढ़ा देता है। इसके अलावा दोस्तों जो ट्यूबरक्लोसिस या टीबी जिसको हम बोलते हैं, उसमें लहसुन का बहुत जबरदस्त फायदा होता है। उसका अगर कोई मरीज है टीबी का तो वो लहसुन का इस्तेमाल करे, लहसुन का डेली यूज करे, उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सांस से जुड़ी हुई दोस्तों कोई भी बीमारी अगर आपको है, चाहे वो टीबी हो, दम्मा हो, सांस में जलन हो, या फेफड़े में किसी भी तरह का कोई संक्रमण हो, किसी भी तरह की कोई खांसी हो, ये सारे हर तरीके की सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम या खांसी स्पेशल हर तरह की बीमारी से ये हमें निजात दिलाएगा। और सर्दी, नजला, जुकाम में लहसुन की एक कली आप खाइए, आधी कली का सेवन कीजिए, गर्मियों में सिर्फ हमें आधी कली का ही सेवन करना है, और इसके ऊपर ढेर सारा पानी पीना है, और गर्म चीजों से हमें इसका थोड़ा अवॉइड करना है क्योंकि इसकी खुद तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है, और ठंडी चीजों का हमें सेवन करना है। गर्म चीजों में स्पेशली जैसे फास्ट फूड है, या अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़िए, और फिर देखना आप इसके होने वाले अद्भुत फायदों को देखकर आप दंग रह जाएंगे, ठीक है? इसकी गंध बहुत तेज होती है, और गंध वाली चीजों को जो एचआईवी से संक्रमित लोग हैं उनके लिए अक्सर मना किया जाता है, तो जो इस तरीके की बीमारी अगर किसी भाई को है तो वो प्लीज इसका इस्तेमाल ना करें। और अगर इसको खाने से आपको वोमिटिंग होती है या कोई जलन होती है या किसी भी तरह की कोई एलर्जी या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसका सेवन ना करें, एक बार आप डॉक्टर से परामर्श कर लें ताकि आपको इसका सही तरीके से रिजल्ट मिल सके, ठीक है? तो अगर किसी भी तरह की कोई रिएक्शन गलत हो रहा है या आपको कोई लूज मोशन वगैरह हो रहे हैं तो इसका प्लीज सेवन ना करें, ठीक है दोस्तों? तो हमारी इस वीडियो में इतना ही, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन एक नए नुस्खे के साथ हम फिर अपनी नई वीडियो में आपके लिए हाजिर होंगे। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह की जो बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो सब लोगों तक पहुंच सके और सब भाई इसका यूज कर सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज कमेंट में बताइए किसी भी तरह की कोई अगर स्पेशली कोई वीडियो बनवानी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो अपने
कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो, हम डेफिनेटली उसका जवाब भी देंगे। और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई वीडियो तैयार करानी है, कुछ पूछना है, तो हमें बताएं, हम डेफिनेटली उसको रीड करके उस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।